किसान भाइयों, ऐसे बहुत कम कीटनाशक होते हैं जिनका आप अपनी फसलों पर उपयोग करें और वो सभी कीटों को खत्म कर दें आपकी फसलों के अंदर, चाहे कोई सकिंग पेस्ट हो, चाहे चबाने वाले कीट हो, कोई भी कीट हो उसको टारगेट करें और उसको खत्म कर दें। तो ऐसे बहुत कम कीटनाशक हैं और एक ऐसा ही कीटनाशक के बारे में आज के हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। और इस ये जो कीटनाशक है हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसने लॉन्च होते ही एक तबाही सी मचा दी है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो भी शानदार हैं और क्योंकि ये हर एक कीट को टारगेट करने का काम करता है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो अपनी फसलों पर यदि कोई सकिंग पेस्ट का अटैक है, जैसे थ्रिप्स का अटैक है, जेसिप्स का अटैक है, माइक्स का अटैक है, तो अलग अलग कीटनाशक ला के कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे करते हैं। या चबाने वाले कीट का अटैक है, जैसे इल्लियों का अटैक है, फल छेदक, तना छेदक, फल मक्खी, पॉड बोरर, तो इनके लिए वो अलग कीटनाशक लाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कीटनाशक के बारे में बताएंगे जो हाल ही में लॉन्च किया है और जो सभी कीटों को टारगेट करता है। आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, आप इसका स्प्रे करें, चाहे कोई भी सकिंग पेस्ट हो, माइट्स हो, थ्रिप्स हो, उसको ये टारगेट करेगा, जेसिड्स को उसको खत्म करेगा और जो चबाने वाले कीट हैं उनको भी खत्म कर देगा। जी हाँ, तो ये बहुत ही शानदार कीटनाशक है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिंजेंटा कंपनी के सीमोडिस इंसेक्टिसाइड के बारे में। ये हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये बहुत ही शानदार कीटनाशक है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप इसका कौन कौन सी फसलों पर उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से कीटों को ये टारगेट करता है यानी कि खत्म करने का काम करता है, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी प्राइस है, क्या इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी है और क्या इसका रैनफास्टनेस रेट है, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लेंगे। तो वीडियो को एक तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सिंजेंटा कंपनी का सीमोडिस आता है इसके अंदर टेक्निकल क्या है। तो इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है आइसोसाइक्लोसेरम 10% डीसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। तो आइसोसाइक्लोसेरम ये ग्रुप 30 का एक इंसेक्टिसाइड है, टेक्निकल है। और देखिए ये जो कीटनाशक है कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है लेकिन इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि हम स्प्रे करते हैं पत्तियों के आर पार हो जाता है। देखिए इस कीटनाशक की खास बात ये है कि ये सभी कीटों को टारगेट करता है। देखिए अभी क्या है कि हमारी फसलों पर थ्रिप्स का अटैक होता है तो हमारे पास कोई ऐसा कीटनाशक अभी नहीं है, एक आध को छोड़ दिया जाए कि वो थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल कर दे, क्योंकि उनके प्रति कीटों के प्रति उसमें जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो गई है, तो जो पुराने कीटनाशक हैं वो काम नहीं करते हैं। तो वहीं पर जो सीमोडिस है वो एक नया कीटनाशक है, ये थ्रिप्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो जैसे हमारे फसल में, जैसे कि हमारे मिर्ची की फसल में थ्रिप्स का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है तो उसके लिए दे सकते हैं, या किसी भी फसल में, कॉटन की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो रहा है तो उसके लिए दे सकते हैं, किसी भी फसल में आपका थ्रिप्स का अटैक है, ऑनियन में थ्रिप्स का अटैक है उसके लिए दे सकते हैं। तो ये थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है, जेसिड्स पे बहुत अच्छा काम करता है, कॉटन के अंदर जेसिड्स का अटैक होता है, हमारा ब्रिंजल यानी कि बैंगन के अंदर जेसिड्स का अटैक होता है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है, माइट्स को अच्छे से कंट्रोल करता है। देखिए मिर्ची के अंदर जो माइट्स के कारण पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं, या हमारा जो बैंगन पर रेड माइट का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है ब्रिंजल पर, जिसकी वजह से उसकी जो पत्तियाँ सिल्वरी कलर की होने लगती हैं, तो माइट्स को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। देखिए थ्रिप्स, जेसिड्स और माइट्स तीनों सकिंग पेस्ट को ये टारगेट करता है और अच्छे से मारने का काम करता है, किसी भी फसल पर इनका अटैक क्यों ना हो। तो आप इसका बेझिझक उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए हमारे बैंगन की फसल के अंदर सूट बोरर या फ्रूट बोरर, इन दोनों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है और जो हमारे कीटनाशक है मार्केट में हम उनका कई कई स्प्रे ले लेते हैं उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं होते हैं, लेकिन इसके स्प्रे के बाद सिंगल स्प्रे में ही वो पूरी तरह कंट्रोल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है जो सीमोडिस कीटनाशक है सिंजेंटा कंपनी का सूट बोरर या फ्रूट बोरर। यदि आपका बैंगन के अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा है या फ्रूट बोरर आपको किसी भी फसल में है, टमाटर के अंदर है या अन्य फसलों के अंदर है, तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करने का ये काम करता है। उसके साथ साथ देखिए हमारे जो बंद गोभी की जो फसल होती है या फूल गोभी की फसल होती है उसमें DBM डायमंड बैक मॉथ जो इल्ली होती है बहुत ही खतरनाक इल्ली होती है, इसको कंट्रोल करना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है।
ये उसको भी बहुत अच्छे से टारगेट करके और बहुत अच्छे से खत्म करने का काम करता है जो हमारा सिमोडिस इंसेक्टिसाइड है। उसके साथ साथ देखिए हमें कॉटन की फसल के अंदर जो बॉल वर्म है उसकी जो समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है, उसमें जैसिड की समस्या भी देखने को मिलती है। तो बॉल वर्म को जैसिड्स को कॉटन के अंदर बहुत अच्छे से टारगेट करता है और खत्म करने का ये काम करता है। सोयाबीन की फसल के अंदर आपको गडर बीटल की समस्या देखने को मिलती है, तो गडर बीटल को बहुत अच्छे से, या और किसी भी बोरर की समस्या देखने को मिलती है सोयाबीन के अंदर, तो उसको बहुत अच्छे से टारगेट करके खत्म करने का काम करता है। तो सोयाबीन की फसल में आप इसका यूज कर सकते हैं। और जो हमारी ग्राउंड नट की जो फसल होती है उसमें आपने देखा होगा जेसिड्स का अटैक होता है, थ्रिप्स का अटैक होता है, या हमारा जो लीफ माइनर का अटैक होता है, लीफ फोल्डर का उस पर अटैक होता है, तो इन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है, बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो लीफ फोल्डर को भी अच्छे से कंट्रोल करता है, लीफ माइनर को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन सभी कीटों को, फल छेदक को, तना छेदक को, डीबीएम को, सेमी लूपर को, गर्डल बीटल को अच्छे से कंट्रोल करता है। और जो पॉड बोरर की समस्या हमें देखने को मिलती है, जो हमारी फलियों वाली फसल होती है उसमें पॉड बोरर एक कीट आता है, कीड़ा फलियों के अंदर घुसकर खा जाता है, तो पॉड बोरर को टारगेट करके खत्म करता है। तो बहुत सारे कीटों को टारगेट करता है, चाहे सकिंग पेस्ट हो चाहे हमारे चबाने वाले कीट हो। केवल एक कीट को जो सकिंग पेस्ट है जिसमें व्हाइट फ्लाई जिसको हम कहते हैं, तो व्हाइट फ्लाई को, सफेद मक्खी को नहीं खत्म करता है, बाकी सभी कीटों पर लगभग काम करता है। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आप इसका उपयोग जरूर करें, क्योंकि आपको अलग अलग कीट के लिए अलग अलग कीटनाशक मार्केट से लाना नहीं पड़ेगा। हालांकि ये जो कीटनाशक है बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन क्योंकि आप अलग अलग कीट के लिए अलग अलग दवाई लाते हैं और उसको मिक्स करते हैं, उसके बाद भी उसको कई कई बार स्प्रे करते हैं, तो इसको एक ही दवाई से ये सब काम होंगे और एक ही स्प्रे में ये जो है कंट्रोल कर देता है, तो इसलिए ये उतना ही आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, उनसे ज़्यादा ये महंगा नहीं पड़ेगा। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए इसकी जो डोज है वो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी फसलों पर जैसे कि थ्रिप्स का अटैक है, माइट्स का अटैक है, जेसिड्स का अटैक है, इन कीटों का अटैक है सकिंग पेस्ट का, तो आपको क्या इसकी जो डोज रखनी है वो कम रखनी है, यानी कि 80 ml पर एकड़ के हिसाब से इसकी जो डोज है वो आपको रखनी है। और यदि आपके फसल के अंदर जो बड़े कीट हैं जैसे बैंगन में सूट बोरर आता है, फ्रूट बोरर आता है, डीबीएम के लिए आप दे रहे हैं, गडल बीटल के लिए दे रहे हैं, यानी कि जो च्यूइंग पेस्ट है चबाने वाले जो कीड़े हैं उनके लिए इसकी जो डोज जो है वो ज़्यादा रखनी होती है, वो रखनी होती है 240 ml पर एकड़ के हिसाब से उनके लिए वो डोज रखनी होती है। तो इस हिसाब से आपको इसकी डोज रखनी है कि यदि कीट बड़े कीट हैं उनका अटैक ज़्यादा है तो 240 ml पर एकड़ के हिसाब से, और यदि सकिंग पेस्ट का अटैक है तो आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं तो उसके लिए 80 ml पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज आपको रखनी है। देखिए इसके जब भी आप इसका स्प्रे करें तो हमेशा इवनिंग टाइम में करें, जब भी फ्लोवरिंग स्टेज आपकी फसल की चल रही हो, क्योंकि मधुमक्खियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस समय शाम के समय आप करेंगे तो क्योंकि जो मधुमक्खियां हैं हनी भी हैं उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है हमारी फसलों पर, तो उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो लगभग आपको 15 दिन की होती है, कि आप इंसेक्ट के अटैक के हिसाब से 10 से 15 दिन बाद जो स्प्रे है उसको आप रिपीट कर सकते हैं। इसका रैंकफास्टनेस रेट जो होता है वो 2.5 से लेकर 3 घंटे का होता है। स्प्रे के बाद 2.5 से लेकर 3 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, तो इसके जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए जैसा मैंने बताया थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, क्योंकि एक नया कीटनाशक है और बहुत सारे कीटों को टारगेट करता है। इसकी जो 80 ml पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग आपको 850 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। तो ये इसका प्राइस है। बहुत सारे किसान भाई मुझे कमेंट करते हैं हमारी वीडियो में कि क्या ये प्रमोशन वीडियो है, तो देखिए अभी मैंने कोई भी अपने चैनल पे जो प्रमोशन वीडियो कोई नहीं किया है, तो प्रमोशन वीडियो मेरे चैनल पर कोई नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट का मैंने प्रमोशन अभी तक नहीं किया है। हाँ, जो मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है जो किसान हैं उनसे भी उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा है, या मैंने भी यूज़ किया है तो उनके जो रिजल्ट हैं वो मैंने अच्छे पाए हैं, उन्हीं का रिव्यू, उन्हीं के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।